हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम, तो मैं आज 8 बजे के करीब किचन में आई हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। तो मोक्ष के तो समर वेकेशन मतलब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और मोक्ष तो स्कूल नहीं जा रहा है, और यहाँ पर मोक्ष के पापा जी की आज छुट्टी है, तो आज है सैटरडे। पर वो आ जाएंगे प्लॉट पर, तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, मतलब काम किया हुआ है वहाँ पर स्टार्ट। तो अभी मैं इसलिए यहाँ पर आज किचन में लेट आई हूँ। वैसे तो मैं डेली 6 बजे के करीब किचन में आ जाती हूँ, 6 नहीं तो 6:30 बजे तो मैं आ ही जाती हूँ किचन में। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज कढ़ी। तो मैं आज फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने आज तक कभी भी मॉर्निंग में कढ़ी बनाई नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो फिर लंच और सब इकट्ठा हो जाता है, मतलब लंच के टाइम पर मैं बना देती हूँ फिर 10-11 बजे के करीब। तो ऐसे तो मैंने बनाई है, लेकिन मैं 7-8 बजे के करीब कढ़ी कभी नहीं बनाई है मैंने। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जाएगा लंच तो मोक्ष के पापा जी लंच लेकर जाएंगे, तो पापा जी का भी लंच जाएगा और मोक्ष के पापा जी अपना भी लंच लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर कढ़ी चावल बना दूँगी, क्योंकि मट्ठा रखा हुआ है, तो मट्ठा आया था वहाँ से, जो वहाँ पर मतलब मोक्ष के पापा जी जाते हैं तो वहाँ से वो लेकर आए थे। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, तो मैंने दही को भी फेटा था अच्छे तरीके से, तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये घोल होता है, तो इसको तो थोड़ा पतला ही रखना होता है, क्योंकि फिर बाद में कढ़ी हमारी टाइट होती चली जाती है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन और मसाले। तो मैंने मतलब जो घोल होता है कढ़ी का, तो वो तो मैंने तैयार कर दिया है हल्दी नमक और मिर्च के साथ। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी का जो आटा होता है, तो मैं उसको बना रही हूँ। तो इसको मैं बना रही हूँ मट्ठे के साथ, और मुझे मट्ठे से ही बनानी थी कढ़ी, लेकिन मैं मट्ठा डालना भूल गई और मट्ठा फ्रिज में रह गया, और मैंने कढ़ी का जो घोल था वो दही से बना दिया। मुझे बनानी थी कढ़ी मट्ठे के साथ, तो कोई बात नहीं, तो मैंने उसमें दही डाल दी। तो यहाँ पर मैं जो बेसन में जो पकौड़ी का आटा है, तो उसको मैंने मट्ठे के साथ लगाया है, तो मट्ठे से पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर भी मैं इसमें हल्दी नमक मिर्च ऐड कर दूँगी और मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मैं पकौड़ी के साथ ही कढ़ी बनाऊँगी। और हमारे घर पर आलू के साथ भी कढ़ी बनती है, तो मोक्ष के पापा जी को आलू पसंद है, और मोक्ष पकौड़ी खाता नहीं है कढ़ी में, तो वो भी आलू के साथ ही कढ़ी खाता है, तो बच्चों को आलू का ज़्यादा शौक होता है। तो इसलिए हमारे घर पर मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ, तो मैं आलू और पकौड़ी दोनों चीज़ ऐड करती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे बिना पकौड़ी के कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, तो खाली आलू के साथ तो अच्छी नहीं लगती है मुझे। और मोक्ष के पापा जी तो खा लेते हैं खाली आलू के साथ, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मैंने जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने यहीं पर देखा था फर्स्ट टाइम कि आलू डालकर कढ़ी बनाते हैं, तो हमारे घर पर तो नहीं बनती है आलू डालकर कढ़ी। तो मैं आलू डालकर बनाने लगी हूँ, और टेस्टी भी लगती है आलू डालकर। तो आदत हो जाती है हमें किसी भी चीज़ की, जब हम कोई काम जिस तरीके से करने लग जाते हैं, तो नई नई शुरुआत जब भी कोई काम करते हैं, तो उसी चीज़ की आदत हो जाती है फिर हमें। तो अब मैं कढ़ी बनाती हूँ आलू और पकौड़ी दोनों डालकर। तो पकौड़ी मैं डालती हूँ अपनी पसंद से, और आलू मैं डालती हूँ, मोक्ष के पापा जी खाते हैं आलू वाली कढ़ी, और मोक्ष भी खाता है। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ कढ़ी के लिए। अभी मैं लगाने लगी हूँ कढ़ी को तड़का, तो मैं यहाँ पर अब कढ़ी छोक दूँगी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें हींग, तो सबसे पहले मैं हींग डालती हूँ, और साथ में ही मैं प्याज कट कर रही थी। मुझे आदत है छोटे छोटे काम साथ में लेकर चलने की, तो मैं यहाँ पर तब तक प्याज काट रही थी। तो मैंने यहाँ पर प्याज को डाल दिया है, और इसमें मैंने सूखा धनिया भी डाला है उसको पीस कर, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर छोक दूँगी कढ़ी को, तो मैं इसमें घोल ऐड कर दूँगी। और मेरे पास लाल वाली मिर्च थी नहीं, तो मैं उसके साथ भी तड़का लगाती हूँ, तो वो नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको नहीं डालूँगी। और मैं कढ़ी को सिंपल बनाती हूँ, मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो फिर ऐसा ही हो जाता है, तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं।
तो फिर मैं यहाँ पर बस इसमें थोड़े से और मसाले ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने और पानी ऐड किया था तो मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था वो। तो कढ़ी भी पकेगी तो फिर इसमें आलू भी पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को भी आलू डालने हैं तो मोटे आलू मत डालना इसमें, क्योंकि कढ़ी में आलू पकने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी पतले आलू डाले हुए हैं इसमें, तो वो काट कर मैंने डाले हैं। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ उधर भिगोना चढ़ा दिया है पानी डालकर, क्योंकि मैं उसमें बनाऊंगी चावल। तो आज मैंने बड़े वाला भिगोना चढ़ाया है गैस पर, क्योंकि मैं आज चावल थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी, तो उस वाले छोटे वाले भिगोने में बनते नहीं है, तो उसमें तो एक या डेढ़ ग्लास ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा बनाए हुए हैं चावल, तो इसलिए इसमें चलाने में आसानी होती है। तो मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं, तो साथ के साथ चावल भी बनते रहेंगे और इधर मैं कढ़ी भी चलाती रहूँगी। वैसे तो मतलब मैं चावल के साथ रोटी कम बनाती हूँ, तो लेकिन आज मोक्ष के पापा जी खाना लेकर जाएंगे पापा जी के लिए भी, तो वो तो रोटी खाते हैं तो उनको आदत है चावल के साथ रोटी खाने की। तो आज मैं रोटी भी बनाऊँगी उनके लिए, मुझे रोटी बनानी है। और यहाँ पर कढ़ी अच्छे तरीके से मतलब पक रही है, तो फिर मैंने गैस को कर दिया कम, तो मैं उसको धीमी आँच पर पकाती हूँ। तो यहाँ पर जब कढ़ी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया था, मतलब अच्छी तरीके से बन गई थी, तो उसमें आलू भी गल चुके थे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया उसमें पकौड़ियाँ। तो बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी और मसाला। जो मसाला होता है तो मैं खड़े मसाले पीसती हूँ, तो वो हर चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए और पकाऊँगी, जिससे कि मतलब जो कढ़ी है हमारी, तो पकोड़े भी अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे उसको, तो नरम हो जाएंगे वो। तो 2-3 मिनट के लिए मैं उनको पकाती हूँ कढ़ी को दोबारा से, जब पकोड़े डालकर तो उसमें अच्छे तरीके से वो नरम हो जाते हैं। तो बस कढ़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, और उधर मैंने चाय भी बना दिया, तो चाय भी वहाँ पर जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाय भी थर्मस में डाल दूँगी, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मोक्ष के पापा जी की प्लेट, तो और लंच भी मैंने लगा दिया है, तो वो स्किप हो गई मुझसे। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चाय। तो बस लंच हमारा लग चुका है, और मैंने यहाँ पर इसमें कर दी है चाय भी थर्मस में। तो और मॉर्निंग में मेरा जो सारा काम था झाड़ू पोछे का, तो आज मैंने सारा ही निपटा दिया था। तो बस यहाँ पर ये क्लीनिंग रह गई है थोड़ी सी किचन की, तो कुछ तो मैंने साथ के साथ कर दी है, तो थोड़े बहुत बर्तन रह गए, तो बस उनको क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर ये अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो दिन में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है अपना, क्योंकि मैं लेट गई थी, तो आज मुझे तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी अपनी। तो यहाँ पर ये शाम का व्लॉग है, जो मतलब मैं कपड़े धो रही हूँ, तो आज मैं शाम के टाइम धो रही हूँ। और यहाँ पर किशु सोया हुआ है, जब मैं कपड़े ड्रायर कर रही थी, नहीं जब मैं कपड़े ड्रायर कर रही थी तो तब तो कूलर बंद कर दिया मैंने, फिर तो वो उठ जाता है, तो वो पहले ही उठ चुका था। तो जब मैंने कपड़े धोए थे तब वो सोया हुआ था। तो अभी मैं बैठ गई हूँ अंदर आकर, और आज बेड ऐसे ही पड़ा, तो मैंने सही नहीं किया है इसको। और क्योंकि मोक्ष और किशु तो लेट उठा है, तो मोक्ष तो जल्दी उठ गया था। और अभी टाइम बज चुके हैं 7, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मॉर्निंग से लेकर मैं अब व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया है अपना। और मोक्ष सो रहा था, 3:30 बजे के करीब वो सोया था, तो वो तो 6 बजे उठ गया था, लेकिन किशु नहीं उठा था, किशु लेट उठा है अभी 6:30 बजे के करीब ही। तो बस वो भी बाहर गया है, तो मोक्ष के पापा जी भी जल्दी आ गए थे, तो वो प्लॉट पर गए हुए थे, तो वहाँ से आ गए थे वो जल्दी, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, तो इसलिए मैंने अब व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कपड़े भी अब धोया, मैंने मॉर्निंग में कपड़े नहीं धोए थे आज, तो मैंने अब कपड़े धोए, तो मैं बाहर ही डाल दूँगी। कपड़े तो मैंने काफ़ी टाइम पहले धोए थे, मतलब 6:30 तो नहीं, 5:30 बजे के करीब मैंने कपड़े धोए थे, तब किशु सोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि किशु काफ़ी देर से सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो मॉर्निंग में और इजी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको धो लिया था। तो बस मैं ड्रायर नहीं कर पाई थी उनको, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, तो फिर ड्रायर करके, तो अगर मैं उस टाइम बाहर डाल लेती तो फिर भी सूख जाते वो कपड़े, लेकिन अब मुझे वो ड्रायर करने पड़ेंगे, तो अब मैं उनको डाल दूँगी अंदर ही। और मेरा गला थोड़ा मतलब खाली खाली सा लग रहा है, तो मुझे 2 दिन से तो मुझे टाइम नहीं लगा तब से, तो मैं देखती हूँ शायद आज जाऊँ तो मैं उसको सही करा कर लाऊँगी, लोपिट को, तो मैं उसमें माला डलवा कर लाऊँगी। थोड़ा बहुत जो काम है मतलब मार्केट का, तो उसको भी कर दूँगी, तो मार्केट मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, यहीं पर
नज़दीक में ही है लोकल मार्केट, तो सारा मतलब सारा सामान जो हर तरीके का होता है तो सब कुछ मिल जाता है यहीं पे पास में, तो ज़्यादा दूर मार्केट जाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो बस बल्कि मशीन चल रही है मेरी, तो फिर मैं देखती हूँ कि कपड़े डालती हूँ बाहर, तो वो ड्रायर हो चुके हैं, तो चलते हैं किचन में दोबारा से। तो मेरी जो मशीन है वो किचन में ही है, मतलब तो मेरी ओपन किचन है और बाथरूम भी वहीं पे ही है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, तो वो मशीन मैं यहीं पर रखती हूँ तो मुझे इजी रहता है। तो किचन में भी काम करती हूँ, जैसे कभी मॉर्निंग में मशीन लगानी हो ना तो फिर किचन भी चलती रहती है मेरी और किचन का काम भी होता रहता है मतलब, और मैं मशीन को भी देखती रहती हूँ, और बाथरूम भी यहीं पर है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले वो बाहर रखी हुई थी लेकिन मैंने उसको 2 साल हो गए तो मैंने उसको अंदर ही रख दिया है, तो फिर यहाँ पर बाथरूम भी है तो धुलने में भी बड़ा ईजी रहता है कपड़े वगैरह, तो फिर मैं यहीं पर ट्रायल कर देती हूँ, और मशीन जब लगानी होती है तो मैं यहीं पर लगा देती हूँ। तो चलते हैं अभी बाहर, तो मैं कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो फिर डिनर वगैरह भी बनाना है, और देखती हूँ मैं टाइम लगा तो अगर मोक्ष बाबा जी कहने लगे तो फिर मैं जाऊँगी चौक पर, तो यहीं पर है पास में लोकल मार्केट, तो चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर मार्केट में, पास में ही है, तो फिर मैं ये डलवा रही हूँ लॉकेट में माला। तो इस बार मैंने डलवाई है ब्लैक कलर की माला, तो पहले मेरे लॉकेट में थी रेड कलर की माला, तो 2 बार मैंने उसमें डलवाई है तो रेड कलर की डलवाई है, पर इस बार मैंने डलवाई है ब्लैक कलर की। तो मैं इन वाले भैया के पास ही आती हूँ जब भी मुझे कोई काम होता है, तो यहाँ पर मैंने डलवा ली है, तो ये काम मेरा हो चुका है, तो 2-3 दिन से मतलब हो नहीं पाया था। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो वेनिला आइसक्रीम बोलते हैं ऐसे, तो ये ग्लास में आइसक्रीम होती है जो इसको पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो गर्मी के मौसम में जब कुछ इस तरह से पीने को मिल जाए तो बहुत ही फ्रेश फील होता है, तो यहाँ पर मुझे ये वाली आइसक्रीम बहुत ही पसंद है गर्मियों के मौसम में। तो ये भैया इसमें टूटी फ्रूटी और आइसक्रीम डालकर देते हैं, तो बस हम इस वाली आइसक्रीम को पीकर चलेंगे घर, और मैं करूँगी अब इस वीडियो का यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, तो मुझे कमेंट्स पढ़ना भी अच्छा लगता है आप लोगों के, तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। बाय बाय।